सोलन व्यापार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुप्ता ने कहा कि व्यापार मंडल शहरवासियों की सेवा के लिए बनाया गया है, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन कुछ लोग व्यापार मंडल की एकता को भंग कर उसे कमजोर करना चाहते हैं, पर ऐसे लोगों के मंसूबों को किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। सोलन व्यापार मंडल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता की अध्यक्षता करते हुए मुकेश गुप्ता ने कहा कि कुछ लोग व्यापार मंडल की एकता को भंग कर उसे कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन सोलन का व्यापार मंडल उन्हें उनके मंसूबों में किसी भी तरह से कामयाब नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति नगर परिषद के चुनावों में अपनी जमानत नहीं बचा सका, वे व्यक्ति अपने आप को आज व्यापार मंडल का अध्यक्ष घोषित कर रहा है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि व्यापार मंडल शहरवासियों की सेवा के लिए बनाया गया है, ना कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। उन्होंने व्यापारियों से आह्वान किया कि वे ऐसे व्यक्तियों के बहकावे में ना आए, और कुछ व्यापारी उनके बहकावे में आए थे जो आज वापस व्यापार मंडल में आ चुके हैं। मुकेश गुप्ता ने रोष प्रकट करते हुए कहा कि व्यापार मंडल के चुनावों में हार चुका व्यक्ति अब कुछ अन्य हारे हुए व्यापारियों की बैसाखियों के सहारे अध्यक्ष बनना चाहता है और लगातार अध्यक्ष बनने की हट लगाए हुए हैं, जिसे किसी भी हालत में पूरा नहीं किया जाएगा। चंद कुछ लोगों ने व्यापार मंडल सोलन को मजबूती को, क्योंकि पिछले 50 सालों से सोलन में बनी है, सोलन व्यापार मंडल हिमाचल का सबसे बड़ा व्यापार मंडल है, उसको तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहेंगे। बालट होती है ना, वैसे ही मुझे एक बालट लग रही है कि मेरे पास हाथी है, इसको घड़े में घुसाओ, नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अब ना तो हाथी घड़े में घुस सकता है, बालट पूरी नहीं हो सकती, ना हारे हुए को हम चेयरमैन बना सकते हैं, वो हमारे संविधान में भी नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति व्यापारियों के लिए सेवा भाग रखता है और व्यापारी हित की बात करता है और व्यापारियों के लिए काम करना चाहता है, तो वो पद की लालसा ना करके वो हमारे साथ में आए और मिलकर व्यापारियों की बात करे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, सोलन।